ऑर्गेनिक का शुभारंभ होने वाला है और पहला काम जो पढ़ेंगे वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जगह पे तुम्हारी हेल्प कर देगी। थ्री बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब खाली ऑर्बिटल, नेगेटिव का मतलब लोन के। भाई तुमने पढ़ा कुछ भी शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो और दो महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोग फिर घास छील रहे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन तो स्ट्रांग होगा। चलो इधर देखते हैं, 3-keto-2-methyl-hex-4-enol, ये जाके सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही। दो कार्बन से हम एक ही चेन बना सकते हैं, लेकिन तीन कार्बन से हम दो चेन बना सकते हैं। तो कहीं भी अगर कीटो इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी या फिर कॉन्जुगेशन और एच बॉन्डिंग का सपोर्ट मिलता है इनॉल फॉर्म को, वही इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ओवरऑल इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। सिर्फ साइन वाइज यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज है उनको कहा गया इनेंशियोमर। ऑल्दो दे कंटेन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, स्टिल दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों इक्वल परसेंटेज में एक जितना लाइट को राइट में ले जाना चाह रहा है, दूसरा उतना ही लेफ्ट में ले जाना चाह रहा है, ओवरऑल मिलके दोनों एक दूसरे को खत्म कर। एक पे सी एच थ्री, एक पे एथाइल लगा होता तो आर एस बिल्कुल कैंसिल कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ बच जाता तो वो भी एक्टिव होता। तो आर एस तभी कैंसिल करते हैं जब उस पे सेम ग्रुप लगे। हेलो बच्चों, मैं कमल शर्मा, स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी सारांश के एक और धमाकेदार लेक्चर में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज भैया हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की, यानी ऑर्गेनिक का शुभारंभ होने वाला है और पहला काम जो पढ़ेंगे वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या जनरल बातें हैं। अब क्या होता है, जितना मैंने देखा है, जितने बच्चों के फीडबैक आए हैं, आप बच्चों के कमेंट्स या चैट या लाइव में जो भी हमारी बातें हुई हैं उनसे ये बात समझ में आती है कि ज़्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक में स्ट्रगल कर होते हैं। क्यों कर होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसको थोड़ा अलग तरह से रिलेट करना पड़ता है, चीज़ों को आपस में जोड़ना पड़ता है, और इसमें आपको पता नहीं चलता है कि कब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए। आप एक ही कॉन्सेप्ट के इतने डेप्थ में चले गए कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम नीट के पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत बेसिक बेसिक बातें, बहुत रिपीटेटिव बातें पूछी गई हैं। तो टारगेट रखना है कि ऑर्गेनिक में हम फिसलने ना, ऑर्गेनिक में हम ज्यादा गहराई में ना फिसल जाए, वो टारगेट रखेंगे। सबसे पहले जो बात होगी वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के कंपाउंड, हालांकि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते, बट मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन होगा। कुछ बेसिक बातें पहले ही बता दूं, जैसे कार्बन कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो कार्बन कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट करके बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट करके बताते हैं। अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन अगर चार सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 चार, अगर दो तीन दो सिंगल बॉन्ड है बाकी पाई बॉन्ड है तो sp, ऐसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली सेकेंड पीरियड को पढ़ते हैं जो चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो कार्बन हमें या तो टेट्राहेड्रल sp3 में मिलेगा या कार्बन हमें ट्राइगोनल प्लेनर sp2 में मिलेगा और या कार्बन हमें लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा। कार्बन जब भी मिलेगा यही तीन कैटेगरी या यही तीन स्ट्रक्चर्स में मिल सकता है, बिकॉज सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होंगी, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं होंगी तो वहां पे हमारे पास डी वाले हाइब्रिडाइजेशन आने के भी चांसेस नहीं है। ये ध्यान रखना इन तीनों ज्योमेट्री में सिर्फ टेट्राहेड्रल ऐसी ज्योमेट्री है जो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, इसके चारों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तुम किसी भी गिवन टाइम में दो बॉन्ड को एक प्लेन में रख सकते हो, दो बॉन्ड एक प्लेन में रख सकते हो, तो उसके बाद एक बॉन्ड हमारा, कोई भी दो बॉन्ड, ऐसा नहीं कि यही दो बॉन्ड, कोई भी दो बॉन्ड प्लेन में रख सकते हो, उसके बाद बचा हुआ एक बॉन्ड हमारा प्लेन के ऊपर चला जाएगा जिसे वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे चला जाएगा जिसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस बॉन्ड इज आउट ऑफ प्लेन एंड दिस बॉन्ड इज इनसाइड प्लेन और बैक ऑफ द प्लेन. यानी कि जब भी तुम्हें प्लेनर नॉन प्लेनर जब भी तुम्हें थ्री डायमेंशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3D को ही विजुलाइज करना है वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल में जहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है. वो मॉलिक्यूल जहां पे कार्बन sp2 या sp है ये दोनों ज्योमेट्री प्लेनर है एंड प्लेनर ज्योमेट्री के सारे बॉन्ड सारे एटम उसी ज्योमेट्री के प्लेन में लाई करेंगे दूसरी जो बेसिक बात है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हमें हेल्प करता है कई बार फॉर्मूले से कुछ गेसेस. देखो सोचा समझा किया गया तुक्का सोचा समझा किया गया गैस भी सही होता है तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय टू. इसका एक जनरल फॉर्मूला उस पर नहीं जाना है. दिस इज योर मोनोवेलेंट जैसे हाइड्रोजन हेलोजन दिस इज योर ट्राइवेलेंट जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाइवेलेंट जैसे ऑक्सीजन सल्फर एटम यहां पे नहीं आते. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक दूसरा नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इसी का तीसरा नाम होता है डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन. तीन चार नाम है इसके और ये दिखाता क्या है ये तुम्हें दिखाता है कि मॉलिक्यूल के पास कितने पाई बॉन्ड या कितनी रिंग्स हैं. यानी अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेट्स से किसी मॉलिक्यूल का 2 आ गया तो उसके पास या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड या 1 पाई बॉन्ड एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा या फिर 2 क्लोज स्ट्रक्चर होंगे तो ये बात भी ध्यान रखी जाएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में. तीसरी बात जो बेसिक बातों में ध्यान रखनी है कि सेकेंड पीरियड में तुम्हें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत दिखेंगे. कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ध्यान से समझना है कि इनके पास सिनेरियो क्या है इसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा जगह पे तुम्हारी हेल्प कर देगी. समझना कोई भी सेकंड पीरियड का एटम 4 ऑर्बिटल के साथ होता है और 4 ऑर्बिटल के साथ वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है. तो कार्बन क्या कर सकता है कार्बन नॉर्मल सिचुएशन में 4 बॉन्ड बना लेगा सिग्मा पाई वो मैटर नहीं करता लेकिन 4 बॉन्ड. नाइट्रोजन जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा उसके पास लोन पेयर होगा. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा उसके 8 बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि 2 ही की कमी है. इसके पास दो लोन पेयर है. जब भी कोई एटम अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी से ज्यादा पे जाता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वो डोनेट करेगा. यहां की बात कर रहा हूं जैसे कार्बन देखो कार्बन अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी से ज्यादा जा ही नहीं सकता है क्यों मैक्सिमम ही 4 बॉन्ड बनाएगा. इन सब की मैक्सिमम कोवेलेंसी इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझना. सेकंड पीरियड के ये सारे एटम हैं इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती 4 ऑर्बिटल. कार्बन ऑलरेडी 4 पे कभी गलती से तुम्हें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए दिख गया तो चौथा बॉन्ड वो बनाएगा अपने लोन पेयर को डोनेट करके क्योंकि इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया लेकिन कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कई बार तुम्हें मॉलिक्यूल के रेजोनेंस इन सारे फिनोमेना में ये बात देखनी पड़ती है कहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है कहां पे नहीं है. तो दीज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज बाय फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड इट डज नॉट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल उसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है. कई बार हम पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देते हैं यहां पे नहीं होगा क्योंकि आगे जब रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस नहीं होता है रेजोनेंस खाली ऑर्बिटल से होता है. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड बनाना चाहे तो ऑक्सीजन जब भी तीसरा बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है
लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल यहां भी नहीं है। सिंपल वर्ड में बोलूं, कार्बन से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन दो सिनेरियो में जा सकता है क्योंकि कार्बन ही फंडामेंटल है, तो कार्बन या तो तीन बॉन्ड बना सकता है अपना इलेक्ट्रॉन दे के, या कार्बन तीन बॉन्ड बना सकता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा लेके। देखो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तीन बॉन्ड बनाए तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला बचता है, तो या तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव में आ जाएगा या इस इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव में आ जाएगा। यानी थ्री बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिव भी है निगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब खाली ऑर्बिटल, निगेटिव का मतलब लोन पेयर। तो कार्बन के तुम्हें दो सिनेरियो को समझना है चार्ज स्टेट में। व्हेन कार्बन इज कैटायोनिक इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल, व्हेन कार्बन इज एनायोनिक इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉन और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें इन बातों पे क्वेश्चन दिखते हैं या ये बातें यूज होते हुए दिखती हैं, बहुत ही फंडामेंटल बातें यूज होते हुए दिख जाती हैं। और आखिरी बात जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आती है कि एनीथिंग विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई जगह तो हो, किसी से खाना पैक करा के थोड़ी ले जाओगे। तुम शादी वादी में गए कहीं पे तो वहां पे ठूस ठूस के जो खाना खाओगे तभी खा पाओगे ना जो वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कंडीशन है कि वी शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। और इन्हीं चीजों को आगे चल के कहा जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइदर इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, और लुविस एसिड। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से कभी कुछ डिसाइड मत करो। जहां जहां तुमने जब जब याद किया है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसा होगा, उसकी जगह याद करो कि वेकेंट ऑर्बिटल आएगी तो ऐसा होगा। एंड अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन डोनर बनना है, क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उसके पास होने चाहिए बच्चों लूज इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? लूज इलेक्ट्रॉन। वो निगेटिव चार्ज हो सकता है, वो न्यूट्रल लोन पेयर हो सकता है, या वो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पाई बॉन्ड भी लूज होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। और ऐसी चीजें तब जाके कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल और लुविस बेस। तो आगे चल के हम कई बार मोस्टली रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन है, कई बार हम इस बात को देखेंगे। पांचवी बेसिक बात क्या है कि आयोनिक रिएक्शंस हैव डायरेक्शन। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो रिपल करेंगे, वो जन्मजात दुश्मन है। तो हमें ध्यान रखना कि जहां भी हम आयोनिक सोच रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को सोचें, वो एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ है। वहां पे हमेशा मेजर माइनर प्रोडक्ट, वहां पे हमेशा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का खेल होगा। लेकिन जो नॉन आयोनिक रिएक्शन है, यानी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग न्यूट्रल थिंग्स, फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रल थिंग को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, दोज रिएक्शंस आर नॉन स्पेसिफिक। यहां पे मेजर माइनर के क्वेश्चन कम बनेंगे, यहां पे तुमसे मोस्टली नंबर ऑफ प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट बन सकता है नहीं बन सकता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एंड ऑलवेज आयोनिक रिएक्शंस डोमिनेट ओवर फ्री रेडिकल रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शन फास्ट है तो वो डोमिनेट करेंगे क्योंकि उन्हें डायरेक्शन मिली। अब देखो एक इंसान है अंधा, अब वो रैंडमली जा रहा है, कभी इधर टकराया कभी उधर टकराया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां वो किधर चला। तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा। एक तो वो मंजिल उसको पता नहीं, इधर टकराते इधर निकल गया तो मंजिल इधर हो गई, इधर टकराते इधर निकल गया तो मंजिल इधर हो गई। तो उसे अपनी मंजिल तक जाने में समय भी लगेगा और उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं है। बट वो पर्सन जिसके टारगेट सेट है, जिसे पता है उसे वहीं जाना है, गोली की स्पीड से जाएगा और फटाफट रिएक्शन कर लेगा। तो अगर कभी इन दोनों रिएक्शन में कॉम्पिटिशन दिखा तो ध्यान रखना आयोनिक रिएक्शन जल्दी होंगी एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल रिएक्शन। एंड आयोनिक में भी सबसे ज्यादा उतावलापन है एसिड बेस रिएक्शन के अंदर, सबसे ज्यादा उतावलापन है
एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर, इधर H प्लस उधर OH माइनस, फटाफट जाके भिड़ जाएंगे जन्मजात दुश्मन। तो जहां भी एच ओ एच वाली रिएक्शन होनी है, एच प्लस लेना है OH माइनस लेना है, वो रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन में भी बाकी रिएक्शन पर डोमिनेट करेंगी। तो कभी भी जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म में, जितनी रिएक्शन में तुमने मीडियम में बेस देखा है जो एसिड पे अटैक कर रहा है, तो समझ जाओ वो रिएक्शन सबसे, वो पार्ट रिएक्शन का पहला पार्ट होगा। और कभी कभी हमें जब रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप समझ में आ जाता है तो आगे एक सीक्वेंस बन जाता है, आगे के पन्ने अपने आप खुल जाते हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं अबाउट द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो इस पर पूरी एक किताब है, सिर्फ इतनी सी बात पे पूरी एक किताब है, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बेसिक बातें थोड़ा सा समझ के चलेंगे। आखिरी बेसिक बात जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं वो ये कि सपोज टेट्राहेड्रल कार्बन है, इनके बीच का आइडियल बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, कितना 109.5 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है तो इनके बीच का एंगल है 120, लीनियर कार्बन है तो इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। बॉन्ड को हमेशा, बॉन्ड बेसिकली फोर्स है, तो ऐसे कंसीडर करो कि जब ये बॉन्ड अपनी नेचुरल पोजीशन में है तो यहां पे एक स्प्रिंग लगी है जो अभी ना ही कंप्रेस्ड है ना ही अभी इलोंगेटेड है। अब अगर तुम इस एंगल को बढ़ाते हो या इस एंगल को घटाते हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग को पसंद नहीं आएगी, खींचोगे तो स्प्रिंग वापस लाने की कोशिश करेगी, बढ़ाओगे तो स्प्रिंग दूर ले जाने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग वाली एनालॉजी से समझा जाएगा कि अगर कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है वो 109.5 डिग्री चाहेगा, sp2 है वो 120 डिग्री चाहेगा, sp है वो 180 डिग्री चाहेगा, तो कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर अपने आइडियल एंगल से आगे या अपने आइडियल एंगल से पीछे है, लेट्स अप्लाई मॉड, जितना भी वो अपने आइडियल एंगल से डेविएट करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन आएगा अगर, तो वो बच्चा लोग स्टेबिलिटी को कम कर देगा। यानी कि सपोज sp3 कार्बन 60 डिग्री की चेन में है तो 60 डिग्री पे हाईली अनस्टेबल है, वो अपने आप को ओपन करना चाहेगा, दैट्स व्हाई 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होते हैं। अगर सपोज sp3 कार्बन 120 के एंगल पे चला गया, स्टिल वो अनस्टेबल होगा, 180 वाला कार्बन रिंग में नहीं आ पाएगा क्योंकि रिंग में एंगल 180 मिल नहीं पाएगा उसे, 180 वाला यानी ट्रिपल बॉन्डेड या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रिंग के अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि रिंग में उसे 180 डिग्री एंगल बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये सब हमारी बातें हैं, बेसिक बातें हैं जिनको हमें समझ के याद रखना होता है। अब आज के लेक्चर के टॉपिक को शुरू करते हैं, विच इज आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर। तो बच्चों नॉमनक्लेचर का ऐसा सिनेरियो है कि नॉमनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, रियली क्वेश्चन आता है नॉमनक्लेचर से, हाँ आता भी है। सेकेंडली नॉमनक्लेचर कई बार चीजों को समझने में हेल्प करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, इसके भी बहुत रूल्स हैं, बट हम इसे बहुत ज्यादा प्रिसाइज एनसीईआरटी बेस्ड ही रखना चाहेंगे। तो नॉमनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा इन सारे रूल्स को जितना ज्यादा हो सके कम से कम डायग्राम में सम अप कर सकूं, ये मेरा कोशिश रहेगा। ये जितने भी रूल्स मैंने लिखे हैं ये ना मैं तुम्हें पढ़ूंगा ना पढ़ के समझाऊंगा, ये तुम्हें एक बार खुद से देख लेना, अगर मन करे तो एक बार खुद से पढ़ लेना, सबके सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कुल 11-12 रूल्स हैं। देखो इससे पहले चल पहले यहां देखते हैं कि समझो इस बात को कि कोई भी आईयूपीएसी नेम 5 पार्ट से बना होता है, 5 पार्ट से। सबसे पहले तुम्हें ढूंढना होता है रूट वर्ड या वर्ड रूट विच रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन, एंड रिमेंबर दिस इज कार्बन चेन, सो इस चेन में कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं आता है। ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन इंक्लूड किए जाए, फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है तो वो इंक्लूड किया जाए, फंक्शनल ग्रुप के जुड़ा हुआ कार्बन है उसके पास खुद का कार्बन है तो जुड़ा हुआ कार्बन चेन के अंदर आए,
तो कोशिश रहती है कि फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन सबसे पहले दिख रहा है वो जरूर इंक्लूड किया जाए. देन जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन है उनको इंक्लूड किया जाए. इनको साथ इनके साथ मतलब कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन में चले जाते हैं, ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको लेते हुए छोटी चेन भी मिल जाए तो चलेगा, अदरवाइज इनको लेते हुए हम मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन को चेन में लेंगे. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन शुड बी इन द चेन. और इसके साथ साथ वी विल ट्राई टू हैव मैक्सिमम ब्रांचिंग. सो दिस इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ पैरेंट चेन. और इसी ऑर्डर में सेलेक्ट करना. देन वर्ड रूट के बाद सेकेंड काम हम करेंगे नंबरिंग. नंबरिंग के लिए दो बात. फर्स्ट इज FMS, यानी फंक्शनल ग्रुप आर गिवन मोर प्रायोरिटी देन मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन मोर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट. फंक्शनल बॉन्ड आर गिवन मोर प्रायोरिटी देन मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड आर गिवन मोर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट विच इज कार्बन चेन विच इज एल्काइल और एल्किनाइल चेन. थर्ड काम हम करेंगे, सेकेंड काम इसी में नंबरिंग में, कि यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करेंगे. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये लोवेस्ट सम इन सारे रूल का कह सकते हो पापा जी. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब हम नंबरिंग को, अब चेन के देखो दो एंड है, हम नंबरिंग को चेन के उस साइड से करेंगे जहां से हमें सबसे पहले सबसे पास वाला मिल जाए. मतलब सपोज लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मिल गई, फंक्शनल ग्रुप लगा तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी. अब लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड से कर लेंगे, राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है तो राइट साइड से कर लेंगे. तो जो भी प्रायोरिटी, मान लो मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, तो लेफ्ट साइड से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ा तो उधर से कर लेंगे, राइट साइड से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ा है तो उधर से कर लेंगे. तो नंबरिंग करने के लिए हमेशा हम इस चीज को फॉलो करेंगे. ये दोनों मिलके तुम्हें वर्ड रूट देंगे. तीसरी काम तुम्हें सेलेक्ट करना है प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स का मतलब अगर पैरेंट चेन सिंगल बॉन्डेड है, कैसी है सिंगल बॉन्डेड, तो एन लगाएंगे. अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लगा देंगे. यानी अगर ईन या आइन आया तो एन ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ईन आइन नहीं आएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली एन आ जाएगा. तो पैरेंट चेन का प्राइमरी सफिक्स सेलेक्ट करना है. फोर्थ काम है तुम्हारे पास सेलेक्ट करना मेन और यू कैन से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप जा सकता है. सेकेंडरी सफिक्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप जा सकता है, यानी इसके लिए तुम्हें चाहिए प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग. दिस इज द प्रायोरिटी सीक्वेंस. आई थिंक सबने याद की होगी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी के हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से. और नॉन कार्बन कंटेनिंग में भी जो चेन टर्मिनेटिंग है, यानी जो चेन के एंड पे आते हैं चेन टर्मिनेटिंग, वो ज्यादा प्रायोरिटी में है एज कंपेयर्ड टू नॉन चेन टर्मिनेटिंग. So you must remember this priority sequence. You must remember this priority sequence for functional group. क्योंकि अगर एक से ज्यादा functional group तुम्हें दिखते हैं parent chain में, तो functional group जिसकी priority सबसे ज्यादा है, suppose तुम्हें cyanide, एल्डिहाइड और अल्कोहल तीनों दिख गए, साइनाइड एल्डिहाइड अल्कोहल, तो साइनाइड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब साइनाइड का सफिक्स आएगा, बाकी सबके लिए प्रीफिक्स आ जाएंगे. तो हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में लाना, उसका सफिक्स आएगा. एंड इसके बाद अगर चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक है तो वो बात की बात है, वरना जो चीजें आती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. जितना भी बचा खुचा है
वो सबका सब चला जाएगा सेकेंडरी परफेक्ट में, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो ज्यादा प्रायोरिटी के नहीं है, वो सबके सब चले जाएंगे, वो सबके सब चले जाएंगे किसमें? अगर साइक्लिक है फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन रिंग। तो मान लो अगर एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ, अगर एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक साइड में चेन भी जुड़ी जो ओपन चेन जैसी है, जो खुली हुई चेन है, तो सबसे पहले तुम ये देखोगे कि साइक्लिक में या ओपन में किसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, वो प्रायोरिटी में मेन चेन मानी जाएगी। साइक्लिक में ज्यादा तो साइक्लिक को मेन चेन, साइड वाले को सब्स्टिट्यूएंट, साइड वाले में ज्यादा तो साइड वाले को मेन चेन, साइक्लिक को सब्स्टिट्यूएंट, यानी साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट और मेन चेन दोनों बन सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप पे डिसाइड नहीं हो पाया तो हम डिसाइड करेंगे डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे डिसाइड नहीं हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भी डिसाइड नहीं हो तो जाके हम करेंगे रिंग पे डिसाइड, तो जाके हम करेंगे रिंग पे डिसाइड। ये याद रखने, सफिक्स और प्रीफिक्स आई थिंक तुम सबने याद किए होंगे। कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने अभी तक ये याद नहीं किया है, तो बच्चा मैं ये कहूंगा कि इसको तो याद करो ही, बट अभी तुम्हें फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। हम कोई मीठी मीठी बात नहीं करेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप भी तुम पहली बार समझ रहे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें अभी तैयारी की जर्नी लंबी है। तुम्हारी तैयारी अभी 2 महीने में खत्म नहीं होगी, तुम्हारी तैयारी अभी अगले साल खत्म होगी, लेकिन खत्म जरूर होगी और सिलेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बस ये कि मीठी मीठी बात नहीं होगी कि भाई तुमने पढ़ा कुछ नहीं शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो और 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोग फिर घास छील रहे थे, वो भी तो पढ़ रहे ना, कॉम्पिटिशन तो स्ट्रांग होगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम सेट नहीं कर रहा है, कॉम्पिटिशन आसपास के लोग सेट कर रहे हैं। आसपास के लोग टैलेंटेड है, ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगी। आसपास के लोग टैलेंटेड नहीं है, मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इस साल सब बेवकूफ से आ गए या कम पढ़े लिखे आ गए, तो तुम अच्छे से सेलेक्ट हो जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट द एनवायरमेंट, दैट इज कॉम्पिटिटिव नेचर। चलो लास्ट बात, अगर एरोमेटिक है, हालांकि एरोमेटिक की आईयूपीएसी नेमिंग नहीं पूछी गई है बहुत समय से, बट अगर एरोमेटिक है देन दिस इज अवर, इसको हम बेंजीन बोलते हैं अगर ये मेन चेन है, और फिनाइल बोलते हैं अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसको हम बेंजीन, अगर फिनाइल है तो C6H5 या PH, या हम इसे phi सिंबल से दिखा सकते हैं। बेंजीन में पोजिशनिंग 1-2-3 भी कर सकते हैं, अदरवाइज बेंजीन में किसी भी एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में, सपोज मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में, तो 1 के बगल में जो 2 या 6 पोजीशन है, दोज आर कॉल्ड एज 2,6, या ऐसे लिखते हैं 1,2 और 1,6, इनको रिलेटिवली एक दूसरे के लिए कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। 3,5, तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 या फिर 1 के रिस्पेक्ट में 5, इनको एक दूसरे के रिलेटिव में कहा जाता है मेटा। तो अगर बेंजीन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे तो हम नंबरिंग के साथ साथ ऑर्थो मेटा पैरा भी यूज करते हैं, एंड 1,4 इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बच्चा लोग कहा जाता है पैरा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब बेंजीन पे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तभी ये एप्लीकेबल है, फॉर एग्जाम्पल एक दो नाम लिख के दिखाऊंगा, उनसे ही समझने की कोशिश करो। सपोज मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है
कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो पहले ये भी बता देता हूं, CH3 साइड चेन इज कॉल्ड एज मिथाइल, राइट। C2H5 यानी कि दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल, कॉमन नेम। अगर इस टाइप से जुड़ा है CH3, एक तीन कार्बन की चेन है लेकिन ब्रांचिंग हो गई, वो सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज आइसो। तो जब भी ऐसा आता है तो इसको आइसो बोलते हैं, ऐसा पोर्शन जहां भी दिख जाए इसको आइसो बोलते हैं। तो आइसोब्यूटाइल मतलब आइसो के साथ टोटल चार कार्बन, आइसोप्रोपाइल मतलब आइसो स्ट्रक्चर के साथ तीन कार्बन, जो टोटल तीन है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, बहुत सारा बना सकते हो। और अगर ब्यूटाइल की बात करें, चार की बात करें, अगर 1 डिग्री कार्बन नॉर्मल चेन है तो दैट इज योर एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है कुछ, दैट इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, दैट इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल। और अगर आइसो के साथ ब्यूटाइल है, यानी आइसो स्ट्रक्चर इज दिस CH3CH CH3, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब यहां से कुछ जुड़ना है, और टोटल चार कार्बन हो गए, 1, 2, 3 तो पहले से ही, एक और हो गया CH2। ऐसी चेन है, सो दैट इज कॉल्ड एज आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल पहचानने का बहुत आसान तरीका, अगर चेन अपने 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है, चेन अपने प्राइमरी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब या तो वो स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटाइल, ब्रांच चेन है तो आइसोब्यूटाइल, ब्रांच चेन है तो आइसोब्यूटाइल। देखो यहां पे समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द नंबरिंग एंड पैरेंट चेन सेलेक्शन। अगर देखा जाए तो ये चेन सबसे बड़ी लग रही होगी, ये चेन बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा टारगेट है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन तो चेन में आने ही चाहिए, डबल बॉन्ड एक बार बाहर छूट जाए तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर पैरेंट चेन, दिस इज गोइंग टू बी अवर पैरेंट चेन। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, दिस इज अवर PFG प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी लोवेस्ट सम हाईएस्ट सम देखने की जरूरत नहीं। 2 पे देखा जाए तो 2 पे लगा हुआ है 2 कार्बन की चेन, और 3 पे देखें तो 3 पे लगी है 3 कार्बन की चेन जो तुम्हें आइसो जैसी दिखेगी, यानी दिस इज अवर आइसोप्रोपाइल, दिस इज अवर इथाइल, इथाइल एंड दिस इज अवर आइसोप्रोपाइल। तो साइड चेन्स को पहचानना है। 5 पे भी जो ग्रुप है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, इसका प्रीफिक्स आएगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज फॉर्माइल और ऑक्सो, बोथ विल वर्क। सो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा ई, सो दैट इज 2-ethyl, प्रीफिक्सेस में हमेशा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। उसके बाद आएगा एफ, सो दैट इज 5-formyl, उसके बाद आएगा आइसोप्रोपाइल, सो 3-isopropyl, देन हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, सो पेंट। अब बच्चों की आदत होती पेंट के साथ हमेशा एन चिपकाने की, एन देखो आएगा या नहीं आएगा, पेंट के बाद आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, सो 3 पे डबल बॉन्ड, पेंट 3-ene, एंड आखिरी में 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए वी यूज ओइक एसिड। सो दैट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन स्ट्रक्चर, 2-ethyl, 5-formyl, 3-isopropyl, पेंट 3-ene, 1 ओइक एसिड। और नीट में इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के IUPAC नेम नहीं भी आते हैं। अब जैसे देखो ये वाला IUPAC नेम मैं तुम्हें दे दूं, तो इसमें वही बात हो गई कि साइक्लिक भी है और साइड चेन भी है, साइक्लिक में साइड चेन लगी तो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा तो उसकी प्रायोरिटी अपने आप ज्यादा होगी। तो हमारी पैरेंट चेन हो गई फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए, ये वाली ओपन पार्ट 1, 2, 3, सो द नेम विल बी 3-cyclohexyl, 6 कार्बन की साइक्लिक, देन वी विल हैव प्रोपेन, 1-oic acid और सिंपली प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1-oic acid और सिंपली प्रोपेनोइक एसिड। बट अगर कभी भी पैरेंट चेन पे सीधे
एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका फंक्शनल ग्रुप चेन में लेना कंपलसरी था, जिसका फंक्शनल ग्रुप चेन में लेना कंपलसरी था, बट वो चेन के बाहर छूट गया. दिस इज अवर पेरेंट चेन. सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज अ स्पेशल सफिक्स. कुछ स्पेशल सफिक्स भी होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलिक ही होता है. सो दिस विल बी साइक्लो हेक्सेन. देखो अभी तक हम इसे ओइक एसिड कहते हैं, राइट? अगर कार्बन पेरेंट चेन के अंदर आता है तो हम इसे ओइक एसिड कहते हैं. कार्बन पेरेंट चेन के बाहर है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उन सब के लिए हमारे पास एक स्पेशल सफिक्स होता है. जैसे कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सी ही होता है, कार्बोक्सिलिक का स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक ही होता है. एल्डिहाइड का स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड होता है. और ऐसे ही इनमें कार्बोक्सिलेट कार्बामाइड इस टाइप से सफिक्स यूज होते हैं. मतलब कार्ब वर्ड आ गया था, सिंपल वर्ड कार्ब वर्ड आगे आ जाता है, वो तुम ऑप्शन देख के पहचान जाओगे कि कौन सा स्पेशल सफिक्स है. जैसे देखो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, देन वी विल मूव ऑन टू हाइब्रिड आइसोमेरिज्म. देखो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, पेंट टू इन फोर लाइन में पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा. पेंट मतलब पांच कार्बन की चेन, बॉन्ड लाइन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. टू पे इन 1, 2, 2 पे डबल बॉन्ड, 4 पे आइन 1, 2, 3, 4, 4 पे आइन यानी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड. अब देखो ध्यान देना, या तो तुम यहां से पहले काउंट कर लो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, तो पाई बॉन्ड तो हो गए 3, पाई बॉन्ड हो गए 3, एक ही ऑप्शन है, 3 पाई बॉन्ड का आंसर हो गया. जो आसान दिखता है वो पहले काम कर लो क्वेश्चन में. सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा टाइम लगना था, पाई बॉन्ड से अगर आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड है, वरना सिग्मा कैसे होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4. अब इस 4 के बचे हुए 3 हो गए क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे ना, तो इस पे 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पे हो गए, 1 2 3 7. फिर यहां पे देखो एक सिंगल बॉन्ड H आएगा, 8, यहां पे आएगा 9, यहां पे नहीं आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, यहां पे आएगा 10, 10 हो गए सिग्मा बॉन्ड. तो जब हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो वहां पे हमें सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइड्रोजन है जो बॉन्ड लाइन में नहीं दिखाया गया उसको भी काउंट करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा. इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चन, पाई बॉन्ड निकालने हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है. इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8. इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8. तो ध्यान रखो यहां पे क्वेश्चन सिंपल सा है, 4 ऑप्शन ऊपर इस पे टिक कर दिया गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड नहीं निकालना है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकालने, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकालने. नाउ दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सिंपल आईयूपीएससी नेमिंग नीट में आई हुई है. सिंपल सा एक एल्डिहाइड कीटोन डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड कार्बन चेन आना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है. तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, दिस इज अवर पेरेंट चेन, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 पे लगा है मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल और 3 पे लगा है कीटो, ये है कीटो, ये है मिथाइल. सो हम कहेंगे 2 पे मिथाइल, 3 पे कीटो, M आएगा पहले या की आएगा, कीटो की जगह हम एल्डिहाइड कीटोन के लिए अनदर प्रीफिक्स ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं, MNO, M पहले आएगा, M पहले आएगा, तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे कीटो, या तो ये चलेगा, कीटो मिथाइल यूज करेंगे तो K पहले आ जाएगा, मिथाइल ऑक्सो यूज करेंगे तो M पहले आ जाएगा. लेकिन पोजीशन वाइज देखो 3 पे कीटो है, 2 पे मिथाइल है, हेक्स 5 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे कहां है, 4 पे है डबल बॉन्ड. चलो इधर देखते हैं, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, ये जाके सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है. तो देखो ऐसा नहीं कि पहला आंसर दिख रहा है, लग रहा है कि वो थोड़ा 90, जैसे ये देखो ये ऑप्शन 99% सही था, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सही बनाने में मत लग जाना कभी भी, हो सकता है फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, तो फोर्थ आंसर सही मिल जाए. तो इसका आईपीसी नेम हो गया 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, 1 अल था तो 1 नहीं लगाया, 1 को हटा दिया गया, 1 को
हटा दिया गया। आइसोब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो आइसोब्यूटाइल आइसो के लिए तुम्हें ये चाहिए होता है CH3, CH, CH3, दिस शुड बी देयर फॉर आइसो। तो अगर देखें यहां पे नहीं है, राइट, यहां पे भी नहीं है CH3, CH, H होना चाहिए, इस कार्बन पे H नहीं है, इसका नाम होता है, देखो टर्शियरी ब्यूटाइल है 3 डिग्री, दिस इज योर आइसो स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर आइसोब्यूटाइल। सो दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल। वरना आसान ट्रिक ये है, जब भी चार कार्बन का साइड चेन हो, सबसे पहले जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उसकी डिग्री निकालो, अगर वो 3 डिग्री है तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसको बोलोगे टर्शियरी ब्यूटाइल, अगर वो 2 डिग्री है बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसको बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो चार कार्बन के लिए हम डिग्री के बेसिस पे सेकेंडरी और टर्शियरी बता देते हैं। अब अगर वो 1 डिग्री है, अगर वो 1 डिग्री है तो फिर देख लो 1 डिग्री के साथ बाकी चेन, अगर नॉर्मल स्ट्रेट चेन है एन ब्यूटाइल, बाकी किसी चेन में ब्रांचिंग हो रखी है तो आइसोब्यूटाइल। तो चार कार्बन में पहचानने का एक ये भी तरीका है, वरना ये ध्यान रखो आइसो के लिए ये पोर्शन दिखना चाहिए, दिस पोर्शन शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड टू चेक फॉर द आइसो फंक्शनल ग्रुप, चेक फॉर द आइसो फंक्शनल ग्रुप। नाउ योर टारगेट इज टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनैरिटी, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेम, धीरे धीरे याद होते चलेंगे कॉमन नेम तुम्हें याद करने। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या सिंपल मतलब है आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म में क्या क्या बातें देखनी वो समझते हैं। सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे लेकिन लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर मिलेगा। दोनों में भी मिल सकता है, सिर्फ फिजिकल में भी अंतर मिल सकता है, सिर्फ केमिकल में भी मिल सकता है, बट देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। एक सिंगल प्रॉपर्टी में भी अंतर आ गया हम उनको आइसोमर बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आइसोमेरिज्म की ये है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कल को फॉर्मूला ही गलत सेम नहीं है, यानी हो सकता है कार्बन मान लो एक में 5 एक में 6 है, किसी में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम नहीं, तो फॉर्मूला सेम होने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए। फॉर्मूला सेम होने के लिए सेम कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। अगर बड़ा फॉर्मूला आ गया तो इससे कंपेयर कर सकते, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड रिंग को काउंट करके DU नंबर सेम आना चाहिए, और सेम नंबर ऑफ अदर एटम जिनको हम हेट्रो एटम कहते हैं। मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ओके, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सारे एटम्स को कहा जाता है हेट्रो एटम। तो ये नंबर वाइज सेम है, हाइड्रोजन को बिना काउंट किए भी बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा समय लगता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम काउंट करने में, हाइड्रोजन एटम छुपे हुए होते हैं, उनको काउंट करने से बेटर है कि हम ये सारी बातें चेक कर लें। अगर ये सब भी सेम आ गया तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 इज स्ट्रक्चरल, 2 इज स्पेशियल। अगर जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, अगर वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से आ रहा है, यानी मॉलिक्यूल का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही अलग है, तो अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है, डेफिनेटली IUPAC नेम अलग होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 3 बेसिक है, अगर पैरेंट चेन डिफरेंट है, साइड चेन अपने आप अलग हो जाएगी क्योंकि कार्बन फिक्स है, तो पैरेंट चेन में अगर डिफरेंस आ गया, यानी वर्ड रूट में डिफरेंस आ गया, तो इनको कहा जाता है चेन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? चेन। अगर लोकेशन किसी भी चीज की अलग है,
फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसी की भी लोकेशन अलग है, तो इसको कहा जाता है पोजिशनल. क्या कहते हैं? पोजिशनल. एंड अगर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स या फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अलग अलग है तो इसको कहा जाता है फंक्शनल. तो तीन तो ये बेसिक हो गए, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल. अगर एक रिंग है और दूसरा ओपन चेन का कॉम्प, यानी एक साइक्लिक है और एक ओपन चेन है, नॉन साइक्लिक है, तो इनको कहा जाता है रिंग चेन आइसोमर्स. क्या कहते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स. मेटामर्स भी है, काम का नहीं है. और इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा काम का है, दैट इज योर टॉटोमेरिज्म. दैट इज योर टॉटोमेरिज्म. बाकी देखो, बाकी जितने भी आइसोमर्स हैं वो तुम डायरेक्टली देख के पहचान सकते हो, डायरेक्टली देख के पहचान सकते हो. आइसोमर में थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर तुम्हें ये याद हो कि एक कार्बन से हम एक ही चेन बना सकते हैं, दो कार्बन से हम एक ही चेन बना सकते हैं, लेकिन तीन कार्बन से हम दो चेन बना सकते हैं, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल. तीन कार्बन से दो चेन बन सकती है, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल. चार कार्बन से हम चार चेन बना सकते हैं, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड नॉर्मल ब्यूटाइल. तो अगर तुम्हें तीन चार मैक्सिमम पांच तक याद है, पांच से भी हम पांच अलग अलग की चेन बना सकते हैं, तो अगर तुम्हें ये याद है कि हम कितने कार्बन से कितनी अलग अलग चेन बना सकते हैं, तो तुम आसानी से आइसोमेरिज्म कर सकते हो. पांच से जैसे हम आठ चेन बना सकते हैं, राइट? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट किसको समझना है? टॉटोमेरिज्म, जिसके और भी नाम होते हैं, जैसे प्रोटोमेरिज्म यानी प्रोटॉन का शिफ्टिंग. इसमें जो स्ट्रक्चर में चेंज है, दैट इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन. शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है एंड इस वजह से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में. सेकंड, दोनों आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, यानी ये रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में तो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती. कैसे होता है शिफ्ट? क्या कंडीशन है कि तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड है, उससे कोई और एटम जुड़ा है और उस एटम पे एक हाइड्रोजन है, यानी कि यू हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर. जब भी डबल बॉन्ड से अल्फा हाइड्रोजन होगा, दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. व्हाई? क्योंकि ये एच अगर निकला कार्बन, या कार्बन ये सी एटम पे आएगा माइनस चार्ज. अगर ये एच प्लस से निकला, सी एटम पे आएगा माइनस चार्ज, वो माइनस चार्ज यहां से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा. तो टॉटोमेरिज्म में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी डिस्कशन होता है. इतनी बात समझो कि जब भी ये अल्फा एच निकलेगा, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को एसिडिक बना देगा या स्टेबलाइज करके इस एच को एसिडिक बना देगा. तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इनको अगर हम रिलेटिव नाम दें, ये आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है, 1, 2, 3, तो इसे 1-3 सिस्टम या ट्रायड सिस्टम कहा जाता है. तो यू शुड हैव अ हाइड्रोजन प्रेजेंट टू द अल्फा पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम. और अगर ये हाइड्रोजन, और अच्छी बात होगी अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चिपकी हुई है, क्योंकि फिर निकालना और आसान होगा. हाइड्रोजन को निकालना और आसान होगा. तो ये हाइड्रोजन या ये कार्बन प्रिफर किया जाएगा, ये सी एटम प्रिफर किया जाएगा कि प्रिफरबली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. सी और ए एटम दोनों, इनको प्रिफर किया जाएगा कि दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से इधर आ सकता है, ये चार्ज इधर आ सकता है. तो यहां पर जब रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव सी एटम पे आएगा, थोड़ा नेगेटिव ए एटम पे आएगा. ए एटम अगर वही एच प्लस वापस ले ले जो एच प्लस दिया था, एसिड बेस रिएक्शन, वही एच प्लस वापस ले ले, तो ओवरऑल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी. वन और थ्री के बीच में हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग हो गई,
इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ना है दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एक कीटोन होगा और एक इनॉल होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इनॉल यूजुअली लेस स्टेबल होती है, इनॉल यूजुअली लेस स्टेबल होती है, तो यूजुअली जो इनॉल है वो माइनर है, इनॉल हमेशा माइनर होती है। बट अगर इनॉल में गलती से हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलती से हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या गलती से इनॉल फॉर्म हो गई एरोमेटिक, तो उस केस में इनॉल फॉर्म डोमिनेट करके मेजर बन जाती है। तो तुमसे वैसे पूछा नहीं गया है, अगेन मैं कहूंगा ये सब बातें नहीं पूछी गई हैं, बट अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि किस कंडीशन में इनॉल फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म होगी, इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो तुम्हें दो बातों को देखना है, क्या एच बॉन्डिंग हो रही है और क्या इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, यहां पे अल्फा एच, अल्फा एच यहां भी है, अल्फा एच यहां भी है, डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे जो भी है वो अल्फा पोजिशन पे। बट देखो ये एच जाएगा तो ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, ये एच जाएगा तो ये भी एक ही डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये एच अगर गया तो ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ, ये जो माइनस चार्ज आएगा इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, यहां पे आएगा वो सिर्फ इससे करेगा, यहां पे आएगा वो सिर्फ इससे करेगा, तो बीच वाले एच माइनस को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यानी ये वाला अल्फा एच ज्यादा एसिडिक है। अभी आगे हम सीखेंगे एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना। तो कभी भी अगर टॉटोमेरिज्म में हमारे सामने ऑप्शन आता है तो जो ज्यादा एसिडिक एच है उसको इन्वॉल्व करेंगे। सिंपल सा काम कर सकते हो, चाहो तो मैकेनिज्म से जाओ, वरना सिंपल सा 1, 2, 3, इधर 1, 2, 3 या इधर 1, 2, 3, 1 और 3 के बीच में शिफ्टिंग करानी, तो एच जाएगा 3 पे, एच जाएगा 3 पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा एच की तरफ एक स्टेप, डबल बॉन्ड आ जाएगा एच की तरफ एक स्टेप। देखो यहां पे था डबल बॉन्ड, ये बन गया ओ एच, ये बन गया ओ एच और डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, डबल बॉन्ड आ गया इधर। इन पे ओल है इसीलिए इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल, इसको बोलते हैं कीटोन। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओ और एच के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड इसको मेजर बना देगा, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म बच्चों ज्यादा स्टेबल होती है। बट यहां पे एच और ओ के बीच के जो एच बॉन्डिंग से 6 मेंबर की रिंग बनी, कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, यहां पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, तो ये कॉन्जुगेशन इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। तो इनॉल फॉर्म में एच बॉन्डिंग हो जाए या एरोमेटिसिटी आ जाए, जैसे एक और इनॉल फॉर्म समझू, देखो कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को प्रेफर कर लो, डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन, ये अल्फा एच एक ही है, डबल बॉन्ड वाला आसानी नहीं देगा, ये वाला आसानी से देगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 1, 2, 3 एच जाएगा 3 पे, डबल बॉन्ड आएगा एच की तरफ, क्या बन जाएगा यहां पे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पहले से था, आप देखो शिफ्टिंग क्या क्या हुई, शिफ्टिंग हुई बच्चों, एच आ गया ओ पे और डबल बॉन्ड आ गया इधर, ये बन गया फिनॉल, फिनॉल का नाम ही है फिनॉल यानी पीएच प्लस इनॉल, और ये एरोमेटिक है तो डेफिनेटली ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन होगा इसका, ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहीं भी अगर कीटो इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी या फिर कॉन्जुगेशन और एच बॉन्डिंग का सपोर्ट मिलता है इनॉल फॉर्म को, वही इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, वही इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। एक और समझ सकते हो, जैसे इसको देखो, अब इसमें क्या है, इधर हम हटा देते हैं, इधर कार्बन नहीं है, अब इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन के एंड में चले जाओ, इस डबल बॉन्ड के लिए ये वाला एच अल्फा एच है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म जैसा है कि अगर
डबल बॉन्ड जिससे तुम टॉटोमेरिज्म करना चाह रहे हो वो कॉन्जुगेशन में है, तो तुम क्या कर सकते हो? देखो ये अगर आगे आएगा तो ये कॉन्जुगेशन वाला और आगे जा सकता है, तो ओवरऑल यहां बिल्कुल एंड पे शिफ्ट होगा, बिल्कुल एंडिंग पे शिफ्ट होगा। देखो क्या क्या हुआ, एच शिफ्ट हो गया एच ओ के साथ, ओ का डबल बॉन्ड यहां पे आ गया और यहां का डबल बॉन्ड आगे चला गया, बना इनॉल, लेकिन अब इसको 1-5 सिस्टम कहा जाएगा। तो इस जड़ीनी से 1-3 सबसे कॉमन 1-3 पढ़ा जाता है, बट 1-5 टॉटोमेरिज्म भी होती है, 1-7 भी होती है। जैसे 1-5 का अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये वाला है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये आगे आ गया चाहे इधर है चाहे उधर, ये आगे चला गया, तो कॉन्जुगेशन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हो गया। इतना पार्ट एज इट इज इस ओ पे आके लग गया एच, ये डबल बॉन्ड आगे, ये डबल बॉन्ड आगे, फिर से क्या बन गया एरोमेटिक फिनॉल, डेफिनेटली ये वाला फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो यूजुअली देखो नीट एग्जाम में सिर्फ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, वो भी बहुत 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 बेसिक, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बेसिक, लेकिन टॉटोमेरिज्म में बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, उसके बगल में जो सिंपलेस्ट अल्फा हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाला बगल में है या कॉन्जुगेशन के एंड में, उसको उठा के तुम्हें ओ पे लाना और उसी अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते चले जाना है, इतना सा काम करना है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन से जुड़े हुए एच को उठा के ओ पे लाना है और डबल बॉन्ड को खींच देना है, डबल बॉन्ड को लेते चले जाना है। तो ये हुआ बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बातें। स्पेशल की अगर मैं बात बताऊं तो स्पेशल का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, यानी अगर स्ट्रक्चर सेम नहीं तो स्पेशल आइसोमेरिज्म नहीं। फॉर मॉलिक्यूल टू बी स्पेशल आइसोमर, स्पेस आइसोमर होने के लिए उसका स्ट्रक्चर सेम होना बहुत कंपलसरी है। ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि स्ट्रक्चर ही अलग था और बच्चों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे टिक कर दिया या ऑप्टिकल पे टिक कर दिया, तो स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ अगर हमें उस स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन डिफरेंट मिल जाए, यानी अगर प्रॉपर्टीज में आइसोमर्स में डिफरेंस स्ट्रक्चर की वजह से आया दैट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अगर डिफरेंस ओरिएंटेशन की वजह से आया दैट इज योर स्पेशल आइसोमर्स, दैट इज योर स्पेशल आइसोमर। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री, तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। दिस कैन बी फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल। सो वी हैव मेनली टू टाइप ऑफ स्पेशियल आइसोमेरिज्म विच इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को समझने से पहले हम समझेंगे ग्रुप की प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग। तो बच्चों हमें प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और खास तौर से ऑप्टिकल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल 3D ज्योमेट्री का होता है। अब 3D में सिमेट्री ढूंढना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ कहते हैं वेज और डैश के बीच में खड़े होकर बिल्डिंग को देखो, कुछ कहते हैं उसको इधर से देखो उधर से देखो। सबसे आसान तरीका है कि हम प्रायोरिटी सीक्वेंस करके ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन को समझ लें, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट रिलेटिव पोजिशनिंग, इज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन। तो प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग हमें उसी रिलेटिव ओरिएंटेशन को देखने में हेल्प करता है कि किसी एक हाई प्रायोरिटी ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई बाकी ग्रुप कितनी दूर या कितने पास है। प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग IUPAC नेमिंग से अलग है और बेसिकली की जाती है, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ये की जाती है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ध्यान रखना कई बार लोग इसे एटॉमिक मास कह लेते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाता है, वो भी अलग अलग एटम के। यानी जब भी सीक्वेंसिंग कर रहे हो एक एक एटम को अलग अलग देखो, ना कि एक साथ। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि अगर कोई डबल बॉन्डेड एटम है तो तुम सोच सकते हो कार्बन से उस एटम पे जाने के दो रास्ते, तुम दो बार जा सकते हो, तो सीक्वेंसिंग में इस एटम को दो अलग अलग एटम भी मान के किया जा सकता है, सिर्फ माना जा सकता है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्डेड एटम है यानी उस एटम तक जाने के तीन रास्ते हैं, तो तीन बार उस एटम तक जाके देखा जा सकता है
और अगर आइसोटोप्स हैं, यानी ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उन एटम के लिए हम एटॉमिक मास पे देख सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सपोज वी हैव हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम कहेंगे कि ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज्यादा है बिकॉज उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे सिर्फ तभी देखेंगे जब आइसोटोप्स हो, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सेम हो, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सेम हो। सपोज ये हमारा मेन कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे जुड़ा हुआ है एक एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप देखो कैसे कंपेयर करते हैं, उस बात को समझना। कंपेयर तो कर ही लोगे तुम, आसान वाला, लेकिन तरीका समझो ताकि आगे भी कर सको। तो यहां पे अगर देखो तो कार्बन से ये पहला कार्बन एटम, मतलब मेन कार्बन से चल के गए सबसे पहले एटम पे आए, मेन कार्बन से चल के सबसे पहले एटम पे आए, क्योंकि ये एटम सेम है तो यानी इन दोनों की प्रायोरिटी यहां से डिसाइड नहीं होगी। तो जो एटम सेम मिले उसको छोड़ दो, हमेशा जब नेक्स्ट मूव करोगे तो उस एटम पे पहले मूव करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यानी इस कार्बन से जो अगला रास्ता मिलेगा, कार्बन से तीन रास्ते निकले, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी मैं कोई भी मान लो ये वाले ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ले लूं, ठीक है। इस कार्बन से तीन रास्ते निकले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा पहले उस रास्ते पे जाओ। फिर से सेम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई। इस कार्बन से दो रास्ते बचे, दोबारा से दोनों रास्ते ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, किसी को भी ले लो, मैं दोबारा से इसको ले ले रहा हूं। इस कार्बन से दो रास्ते बचे, हाइड्रोजन पे इसको ले लिया, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ओवरऑल इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी वन हो जाएगी और इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी टू हो जाएगी। चार ग्रुप है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वन, सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड, थर्ड हाईएस्ट थर्ड, ऐसे चलेंगे। अगर यही हम रिंग में भी देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये हमारा मेन कार्बन है, देखो तो रिंग को हमेशा हम ये देख सकते हैं कि इधर से इधर दो रास्ते हैं, एक ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए आ सकते हो और एक ये सीक्वेंस। तो पहले इस कार्बन को कंपेयर किया, सेम कार्बन, डिसाइड नहीं हो पाया, डिसाइड नहीं हो पाया। कार्बन से अगला ऑक्सीजन हाईएस्ट, अगला ऑक्सीजन हाईएस्ट, सेम, डिसाइड नहीं हो पाएगा। कार्बन से अगला कार्बन हाईएस्ट, कार्बन से अगला कार्बन हाईएस्ट, डिसाइड नहीं हो पाएगा। इस कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डिसाइड नहीं हो पाएगा। जब सब कुछ देख लिया एक एटम से, अब अगले एटम पे आ जाओ। इस कार्बन से अगला हाइड्रोजन, इस कार्बन से अगला क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इधर वाली डायरेक्शन की प्रायोरिटी वन, इधर वाले डायरेक्शन की प्रायोरिटी टू। तो इस तरह से हम साइक्लिक या ओपन चेन में प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग करते हैं, और प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग करके हम फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल में क्या है कि अगर हमें रिलेटिव सेपरेशन डिफरेंट मिलता है, रिलेटिव सेपरेशन डिफरेंट मिलता है कब, जहां पे रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो, जहां पे रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाएगा। उन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाएगा। रोटेशन में डिफरेंस, रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है कार्बन से एक या साइक्लिक रिंग हो, रिंग में जो ये नहीं सिक्स मेंबर की हो, थ्री फाइव, क्योंकि रिंग को भी रोटेट नहीं कर सकते बिना बॉन्ड को तोड़े। रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन ऑलिन्स में भी मिलता है, ऐसे ऑलिन्स जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो, सॉरी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड हो, क्योंकि वो प्लेनर होते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑलिन्स मतलब लाइन से डबल बॉन्ड, बट यहां पे एक हो, तीन हो, पांच हो, तब हम देखेंगे, एक हो, तीन हो, पांच हो, तब हम देखेंगे। दो एंड होंगे, जैसे यहां पे एक एंड ये, एक एंड ये, इसमें छह कार्बन है, कोई से भी ये दोनों हो सकते हैं, ये तो पहला तीसरा हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है, पहला पांचवा हो सकता है, पहला छठा हो सकता है।
कोई भी दो एटम के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल जाए, देन सपोज यहां पे ग्रुप प्रायोरिटी वन, यहां पे टू, यहां पे वन, यहां पे टू लगाएं, तो सेम प्रायोरिटी अगर पास पास है, सेम प्रायोरिटी अगर पास है अगर पास है तो इसको बोला जाता है जेड फॉर्म, या इसको बोल सकते हैं सिन फॉर्म अगर नाइट्रोजन एटम आ गया, या इसको बोल सकते हैं सिस फॉर्म अगर दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम है। सिस फॉर्म, जैसे मान लो वन वाला भी एल्डिहाइड ग्रुप है और इधर भी वन वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों तरफ वन वाले एल्डिहाइड ग्रुप है, तो तुम उसे सिस फॉर्म भी बोल सकते हो। सिन यानी जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा है, एक तरफ लोन पेयर एक तरफ ग्रुप, लोन पेयर की प्रायोरिटी वन दी जाती है, दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग सिन या एंटी देखा जाएगा। अगर सेम प्रायोरिटी दूर है, अपोजिट साइड है, तो जेड या ई, जेड की जगह ई बोलेंगे, सिन की जगह अपोजिट के लिए एंटी बोलेंगे, या सिस वाली कंडीशन में अब बोल दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या हुई, पहले तुम्हें देखना है कि कहां कहां पे रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाएगा। वर्ड आते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब जहां पे ज्योमेट्रिकल भी हो या ऑप्टिकल, दोनों को दोनों स्टीरियो सेंटर माने जाते हैं। तो स्टीरियो सेंटर में हम दोनों मानते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल, अभी आगे सीखेंगे, तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो हमेशा डायस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की इमेज नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा डायस्टीरियोमर्स भी कहे जाते हैं। यानी मोस्टली देखो हम डायस्टीरियोमर्स देखते हैं ऑप्टिकल के साथ, बट डायस्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है, ना कि सिर्फ ऑप्टिकल का। डायस्टीरियोमर मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, तो वो ऑप्टिकल में भी मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल में भी मिलते हैं। सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी ई, जेड, सिन, एंटी, सिस, ट्रांस, ये हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, तो हमेशा डायस्टीरियोमर कहलाएंगे, हमेशा डायस्टीरियोमर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ साइक्लिक आइसोमर, सपोज यहां पे वेज पे जुड़ा है CH3, तो ऑटोमेटिकली डैश पे हो गया H, एंड सपोज यहां पे वेज पे जुड़ा है Cl, यहां पे हो गया Br। साइक्लिक में ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोनों एंड अपोजिट हो, दोनों एंड पास हो, क्योंकि पूरी रिंग में रोटेशन नहीं हो सकता है, तो दोनों एंड पास वाले दूर वाले कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर वन वन हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है रिलेटिव का, तो ये दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी देखो, CH3 H में CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा है H की कम, Br और Cl में Br की प्रायोरिटी ज्यादा Cl की कम, तो दो एंड चुनने हैं और दोनों एंड पर प्रायोरिटी नंबरिंग करनी। वेज का मतलब प्लेन के ऊपर, वेज डैश का मतलब प्लेन के नीचे, सेम प्रायोरिटी प्लेन के अपोजिट साइड है, तो इसको कहा जाएगा ई फॉर्म। दिस इज योर ई आइसोमर। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करके नेम करते हैं, इफ वी हैव एन स्टीरियो सेंटर्स, डजंट मैटर वो ज्योमेट्रिकल है या ऑप्टिकल है, अगर अनसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल कैसा है अनसिमेट्रिक, तो हमें 2^n आइसोमर्स मिलेंगे, हमेशा हर सेंटर पे दो हो सकते हैं। अगर वो सिमेट्रिक है तो हमें 2^(n-1) प्लस 2^(p-1) आइसोमर्स मिलेंगे, वेयर पी इज इक्वल टू एन बाय टू और पी इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। इफ एन इज इवन तो सीधे एन बाय टू कर देंगे, अगर n odd है तो n plus 1 by 2 कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहचानना। तुम्हें ध्यान रखना है कि दो एंड हो, यू हैव टू चूज टू एंड्स, एंड ग्रुप उन एंड पे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी तुम्हें दोनों एंड पे 1-2 प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अगर किसी भी एंड पे तुम्हें 1-1 प्रायोरिटी मिल गई,
किसी भी एंड पे अगर तुम्हें वन वन प्रायोरिटी मिल गई, जैसे सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन, CH3H में CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा, H की प्रायोरिटी कम, दोनों का सेम ग्रुप लग गया तो कैसे भी कंपेयर कर लो प्रायोरिटी तो सेम ही आनी है, प्रायोरिटी सेम आनी है। अब इसमें देखोगे कैसे, इस वन से देख ही नहीं सकते, आसान सा तरीका समझो, अगर एक भी तरफ प्रायोरिटी सेम आ गई तो क्या तुम कंपेयर कर पाओगे कि वन वन पास है या वन वन पास है, कौन से वन से देखें? तो इसमें सीधे सीधे बोल देंगे ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलने के लिए रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो, दो ऐसे एंड हो जहां पे अलग अलग ग्रुप्स का पेयर लगा हो, यानी दो ऐसे एंड हो जहां पे तुम्हें 1-2-1-2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, 1-2 और 1-2 का कॉम्बिनेशन मिल गया तो वहां पे बच्चा लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गई। अगली बात अगर की जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टाइम कंज्यूमिंग यही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकते हैं, जो भी इसको रोटेट कर दे, जो भी इसको रोटेट कर दे, अगर सपोज राइट साइड रोटेट करता है वी कॉल दैट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है वी कॉल दैट लीवो रोटेटरी, and these two things are which can be determined only experimentally. यानी मॉलिक्यूल को देख के कभी भी ये नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डिफरेंट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब जिसके लिए जो रोटेशन है, विच इज जितना वो लाइट को रोटेट कर रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन इज नॉट जीरो। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए स्पेसिफिक रोटेशन यानी लाइट को रोटेट करने का पॉइंट जीरो नहीं है, आइदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी आइदर डेक्स्ट्रो है लीवो है बट जीरो नहीं है, उनको कहा गया ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव। इट विल बी आइदर डी और एल, बट डी या एल को हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, डी और एल को हम डायरेक्टली इस बात से नहीं बता पाएंगे, किस बात से, कि मॉलिक्यूल को देखा और बता लिया, हम आर एस बता सकते हैं डी एल नहीं बता सकते। मिरर इमेज का मतलब मिरर इमेज इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मिरर इमेज इन्वर्ट कर देता है यानी प्लस को माइनस बना देगा, माइनस को प्लस बना देगा, जीरो को क्या बनाएगा, कुछ नहीं। तो मिरर इमेज अगर इनएक्टिव है, अगर इनएक्टिव मॉलिक्यूल की मिरर इमेज लोगे तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आ पाएगा। ये बातें ध्यान से समझो, इन्वर्जन का मतलब प्लस रोटेशन को माइनस में बदल देगा, माइनस रोटेशन को प्लस में बदल देगा, ठीक है, लेकिन अगर इनएक्टिव है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इनएक्टिव है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज एक्टिव प्लस एक्स, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी मिरर इमेज है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा माइनस एक्स, एक प्लस एक्स है दूसरा प्लस वाई है, एक प्लस एक्स है दूसरा माइनस वाई है, एक प्लस एक्स है दूसरा जीरो है, एक माइनस एक्स है दूसरा जीरो है, ठीक है, दोनों जीरो है, जीरो की मिरर इमेज जीरो, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेज, क्योंकि मिरर यहां पे कोई फर्क डालेगा ही नहीं,
जो चीज लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही उसको उल्टा करने से क्या फर्क पड़ेगा, और ये सारे आपस में मिरर इमेज नहीं है, इनमें कोई भी मिरर रिलेशन नहीं है, इनमें कोई भी मिरर रिलेशन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि देखो, चाहे मैग्नीट्यूड अलग हो, चाहे साइन अलग हो, चाहे दोनों अलग हो जाए, डिफरेंस तो आ गया ना। लाइट के लिए एक्टिविटी अलग तो हो गई ना। यहां पे भी देखो, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, तो अलग बात हुई ना। एक लाइट को घुमा रहा है, एक घुमा ही नहीं रहा है, एक लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं कि मॉलिक्यूल एक्टिव है या नहीं है, हमें इससे मतलब है कि लाइट के लिए उसका बिहेवियर अलग है या नहीं, लाइट के लिए उसका बिहेवियर अलग है या नहीं है। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो अलग अलग बिहेवियर रखते हैं सिर्फ साइन वाइज, यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, उनको कहा गया इनेंशियोमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इनको कहा गया डायस्टीरियोमर्स। सो डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल भी है और ये ज्योमेट्रिकल में भी देखा जाता है, मेनली ऑप्टिकल में देखते हैं। अगर मिरर रिलेशन नहीं है तो बोला जाएगा डायस्टीरियोमर, मिरर रिलेशन है तो इनेंशियोमर। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो ये लाइट के लिए बिहेवियर वाइज सेम हो गए, और हम स्टीरियो में देखें तो स्ट्रक्चर पहले से सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले से सेम है, बाकी चीजें पहले से सेम है। सिर्फ लाइट के लिए भी अगर बिहेवियर सेम हो गया तो इन दोनों को बोल दिया जाएगा आइडेंटिकल, इन दोनों को बोल दिया जाएगा आइडेंटिकल। सो जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझते हैं, डायस्टीरियोमर पहचानना है, इनेंशियोमर पहचानना है, आसान सा तरीका है, हम ये चीज पहचानेंगे। उसको पहचानेंगे कैसे? इन सारी बातों को हम RS नेमिंग से पहचान सकते हैं। RS इज अ थ्योरिटिकल नेमिंग, इसका एक्सपेरिमेंटल नेमिंग से लेना देना नहीं है। यानी R वाला ऐसा नहीं है कि वो D होगा हमेशा, R वाला D भी हो सकता है, R वाला L भी हो सकता है, S वाला D भी हो सकता है, S वाला L भी हो सकता है। सो RS नॉमनक्लेचर की मदद से पहचाना जाएगा कि कहां पे इनेंशियोमेरिज्म है, कहां पे डायस्टीरियोमेरिज्म है, और कहां पे आइडेंटिकल है। मिरर इमेज होते हुए भी अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो बन जाता है आइडेंटिकल, वो बन जाता है आइडेंटिकल। रेसमिक मिक्सचर मतलब एक दो कंपाउंड का मिक्सचर, या ऐसे कह लें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिक्सचर, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिक्सचर जिसमें इक्वल फॉर्म में इक्वल परसेंट हो इनेंशियोमर्स का, दोनों इनेंशियोमर्स का इक्वल परसेंटेज हो, जिसकी वजह से उसका नेट रोटेशन यानी मिक्सचर ओवरऑल, एक प्लस एक्स दे रहा है, एक माइनस एक्स दे रहा है, तो मिक्सचर का ओवरऑल रोटेशन जीरो हो जाए। मिक्सचर का ओवरऑल रोटेशन क्या हो गया? जीरो। सो रेसमिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच आर ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल्दो दे कंटेन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑल्दो दे कंटेन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, स्टिल दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों इक्वल परसेंटेज में, एक जितना लाइट को राइट में ले जाना चाह रहा है, दूसरा उतना ही लेफ्ट में ले जाना चाह रहा है, ओवरऑल मिलकर दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंपनसेशन। This is called as external compensation. Meso compound क्या होता है और इसमें और racemic में difference क्या है वो भी यहीं पर समझ लो। Meso एक single compound होगा, Meso molecule एक single compound। Optical में देखो बच्चे को confusion इसीलिए होता है क्योंकि उसे definition या meaning नहीं पता है, terms का मतलब नहीं पता है। तो इन टर्म्स की मतलब को अच्छे से समझना बच्चों। सिंगल कंपाउंड है, एक से ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर है, इन्हीं को हम अभी कायरल सेंटर से समझेंगे। एक से ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन वो ऑप्टिकल सेंटर अगर इंटरनल कंपनसेशन दे रहे हैं,
वो ऑप्टिकल सेंटर अगर इंटरनली एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं तो अगेन नेट रोटेशन क्या होगा, नेट रोटेशन जीरो हो जाएगी। तो देखो मीजो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और रेसमिक भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रेसमिक क्यों इनएक्टिव हुआ, क्योंकि दो एक्टिव कंपाउंड ने मिलकर एक दूसरे को खत्म कर दिया, यानी दो बाहर वालों के बीच का झगड़ा, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ झगड़ा हुआ, दोनों खत्म हो गए। यहां पे घर के अंदर ही झगड़ा हो गया, आधे मॉलिक्यूल का आधा पार्ट अपने ही आधे पार्ट को कैंसिल आउट कर दे रहा है, आधा पार्ट जिधर भी रोटेशन दे रहा है उसका आधा पार्ट दूसरी तरफ रोटेशन दे रहा है। तो ये इंटरनल कंपनसेशन तभी होगा जब मॉलिक्यूल में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री पे भी अगर क्वेश्चन बनता है, आया नहीं है, अगर कभी आता है उसके लिए भी हम सिमेट्री को नहीं ढूंढेंगे। सिमेट्री एलिमेंट अगेन इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई और नीट, बट हम पहचान सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है, इस मॉलिक्यूल में पॉस कॉस है या नहीं है। सारी बातें, जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूं, सब की सब बातें आरएस नेमिंग से समझेंगे, सब की सब बातें आरएस नेमिंग से समझेंगे। इनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसका मतलब है अगेन वी हैव टू कंपाउंड्स, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, बट अब की बार दोनों का अनइक्वल परसेंटेज है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कंपनसेशन नहीं हो पाएगा, नेट रोटेशन जीरो नहीं मिलेगा, नेट रोटेशन जीरो नहीं मिलेगा। यानी ऐसा मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऐसा मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सपोज वी हैव अ मिक्सचर विच इज लेट्स से 74% प्योर, जिसका रोटेशन 74% पॉजिटिव रोटेशन मिल रहा है। देखो इसका मतलब समझना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। 74% पॉजिटिव रोटेशन मिल रहा है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी में देखो समझना, कई बार बच्चे सोचते हैं अच्छा 74% पॉजिटिव है यानी 74% डी हो गया और बचा हुआ 26% एल हो गया। नहीं, अगर 74% पॉजिटिव है यानी 74% तो डी हुआ, बट बचा हुआ अगर एल होगा तो वो एल इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा नहीं करेगा, 74 से और पीछे ले जाएगा, 48 पे ले आएगा 26 माइनस करके। तो जो बचा हुआ 26% है ऑप्टिकल प्योरिटी में, जो बचा हुआ 26% है वो रेसमिक होगा, वो क्या होगा, रेसमिक, ताकि उसका इस प्योरिटी वाले सेक्शन पे इफेक्ट ना है। बस इतना सा समझना होता है कि व्हेनेवर अ क्वेश्चन गिव्स यू ऑप्टिकल प्योरिटी दैट मीन रिजल्टेंट वैल्यू वो है, अगर तुम बचे हुए को ऑपोजिट समझोगे तो वो माइनस कर देगा, करेगा नहीं करेगा, वो भी तो कुछ रोटेशन देगा। तो बचा हुआ उस ऑप्टिकल प्योरिटी पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, वो तभी होगा जब वो कैसा है, रेसमिक, यानी इस बचे हुए में इक्वल अमाउंट डी का होगा और इतना ही अमाउंट एल का होगा। एक तरह से ये D और L एक दूसरे से मिलके कट कट आ गए, बचा कितना 74% D। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 74 + 13, दैट मींस 87% D एंड 13% L इन द मिक्सचर। तो 87% D को 13% L कम करने की कोशिश करेगा और घटा के कहां पे ले आएगा, 74%। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन गिव्स यू अबाउट ऑप्टिकल प्योरिटी, तुम्हें समझना है कि जितना है बस वही है, बचा हुआ रेसमिक मिक्सचर, बचा हुआ क्या है, रेसमिक मिक्सचर, बचा हुआ रेसमिक मिक्सचर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरएस नॉमेनक्लेचर। ये हो गए सारे टर्म, रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब आई थिंक समझ में आता होगा, बता देता हूं कुछ बच्चों के लिए ये सारे टर्म्स नए होंगे, रिटेंशन इन्वर्जन एंड रेसमाइजेशन। रिटेंशन का मतलब ये तीनों टर्म रिएक्शन में यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, रिएक्शन में। अगर किसी रिएक्शन में कायरल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर का कॉन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है,
यानी डी था तो डी, ऐसे समझो आर था तो आर, एस था तो एस, तो उन रिएक्शन को कहा जाएगा दे आर फॉलोइंग रिटेंशन। अगर कॉन्फिगरेशन अपोजिट हो जा रहा है, अगर कॉन्फिगरेशन अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि आर एस बन गया, एस आर बन गया, देखो यहां पे क्या हुआ, आर आर रहा या एस एस रहा, यहां पे क्या हुआ, आर वाला अपोजिट होके एस बन गया, एस वाला अपोजिट होके आर बन गया, तो इसको कहेंगे इन्वर्जन। सो इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों एक सिंगल आइसोमर प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो ऑप्टिकल प्योरिटी देते हैं, दे गिव्स यू ऑप्टिकल प्योरिटी। रेसिमाइजेशन का मतलब अगर रिएक्शन दोनों पॉसिबल इनेंशियोमर में से दोनों को बना दे, यानी कि रिएक्शन में इट डजंट मैटर कि तुमने आर लिया या एस लिया, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें आर भी बन रहा है एस भी बन रहा है। अगर तुमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट एस का लिया, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में दोनों बन रहे हैं, यानी कि इनेंशियोमर्स बन रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। अगर दोनों इक्वल बन रहे हैं, रेसिमाइजेशन इज परफेक्ट। अगर दोनों इक्वल बन रहे, रेसिमाइजेशन इज परफेक्ट। अगर दोनों अनइक्वल बन रहे, वी वुड से पार्शियल रेसिमाइजेशन, वी वुड से पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब बच्चों आता है आरएस नेमिंग। आरएस नेमिंग इसके लिए दो कोड याद रखते हैं। अगर तुम फिशर प्रोजेक्शन में बना रहे हो, अगर तुम फिशर प्रोजेक्शन में बना रहे हो, सो तुम्हें याद रखना है वास और वार। अगर तुम वेज डैश प्रोजेक्शन में बना रहे हो, कौन से प्रोजेक्शन में, वेज डैश प्रोजेक्शन में, तो तुम्हें याद रखना है वास, सॉरी यहां पे एक मिनट को, वास और मैंने मिक्स कर दिया गलती से हार। और अगर तुम वेज डैश में बना रहे हो तो दास और वार, वार का दासी, हार का वासी, ठीक है, हार और वास। देखो हर कोड में तीन लेटर हैं। पहला लेटर बताता है कि हम लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पे, पहले वो देखो, लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश पे है या लोवेस्ट प्रायोरिटी वेज पे है। सेकंड हम देखते हैं यहां पे मूवमेंट, कि जो मूवमेंट है कहां, किसके लिए, वन से टू, टू से थ्री, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी की तरफ, डजंट मैटर फोर को अवॉइड कर सकते हो, वन से टू, टू के बाद थ्री जाना, चाहे फोर को कूदते हुए जाओ चाहे फोर को कुचलते हुए जाओ, तो वन से टू, टू से थ्री की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, और ये बताता है आर है या एस है। जैसे सपोज अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है और तुम्हारी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब जो कॉन्फिगरेशन है वो एस है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी लेट्स से वर्टिकल पे है लेकिन तुम्हारी मूवमेंट क्लॉकवाइज है, कोई भी एक चीज पलटोगे तो कॉन्फिगरेशन पलट जाएगा। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है बट तुम्हारी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज है, तो दैट मीन दैट कॉन्फिगरेशन इज आर। तो हम एक याद करते हैं, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी सपोज हॉरिजॉन्टल पे है बट द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, देन द कॉन्फिगरेशन विल बी एस, कॉन्फिगरेशन विल बी एस। तो हमें यह समझना है कि सबसे पहले हम देखते हैं लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां है, देन देखते हैं मूवमेंट क्या है, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या मिलेगा वो लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज के लिए अपोजिट हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज यहां पे मिला तो आर, यहां पे क्लॉकवाइज मिला तो एस, यहां पे क्लॉकवाइज मिला तो एस, यहां पे क्लॉकवाइज मिला तो आर। तो ये हमें चार लेटर्स याद रखने हैं। अगर हम किसी चीज को ऑड नंबर ऑफ टाइम पलटते हैं, कितनी बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम पलटते हैं, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम पलटते हैं, जैसे सपोज हम पराठा बना रहे हो,
एक बार पलटोगे तो उसका अपोजिट फेस मिलेगा, दो बार पलटोगे तो वापस से वही फेस मिल जाएगा, तीन बार पलटोगे तो अपोजिट फेस मिलेगा, चार बार पलटोगे वापस से वही फेस मिल जाएगा, पांच बार पलटोगे अपोजिट मिलेगा, दस बार पलटोगे सेम मिल जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ टाइम पलटने से सेम, ऑड नंबर ऑफ टाइम पलटने से डिफरेंट। जैसे देखो, नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है काइरल सेंटर, सारी ऑप्टिकल एक्टिविटी काइरल सेंटर पे। काइरल सेंटर एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। प्लेनर हुआ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे भी नहीं मिलेगी, प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसमें ऑप्टिकल सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लगते प्लेनर है लेकिन बन जाते नॉन प्लेनर, वी विल नॉट डिस्कस दैट। सपोज वी हैव दिस थिंग COOH, Cl, CH3 एंड OH। इजिली देखेंगे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन, देन कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा 3 या 4। कार्बन के बाद अगला ऑक्सीजन, कार्बन के बाद अगला हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम। तो सबसे पहले हमने जिस काइरल सेंटर पे हम देख रहे हैं उससे जुड़े हुए सबसे पहले पहले चारों एटम को कंपेयर कर लिया, जो सेम थे उनको छोड़ा, जो बाकी थे उन पर पता चल गया, जो सेम थे उनके लिए अगले एटम पे चले गए। अब देखो यहां पे कोड डिसाइड करो, कोड क्या लगेगा, हार। फिशर प्रोजेक्शन के दो हैं, हार और वास। प्रोजेक्शन को चेंज कर भी सकते हैं बट वो ना ही करें ज्यादा आसान है। हार का मतलब जीतना है अब हमें, 1 2 3 4 फोर गया। अब देखो 1 से 2 2 से 3 द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, घड़ी जैसा चल रहा है ना। अगर हॉरिजॉन्टल पे होता, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी तो आर कॉन्फ़िगरेशन कहते, बट यहां पे मूवमेंट है क्लॉकवाइज तो हम बोलेंगे ये वाला हमें एस कॉन्फ़िगरेशन में दिया है, ये वाला हमें किस कॉन्फ़िगरेशन में दिया है, एस। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज वी हैव CHO Cl HCH3। अब यहां पे अगर प्रायोरिटी नंबरिंग करें, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, सेकंड हाईएस्ट कार्बन है लेकिन कार्बन दो है तो एक इनमें से 2 होगा, एक 3 होगा, पता नहीं, लेकिन ये तो डेफिनेटली 4 है, ये तो डेफिनेटली 4 है। अब CHO में देखें तो C के बाद O मिलेगा, C के बाद H मिलेगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। वेज डैश प्रोजेक्शन है तो कोड है या तो वार या वास, सॉरी दास, वार या फिर दास, वेज पे है या डैश पे। अगर वेज और डैश पे नहीं आया तो हम यूज कर सकते हैं ये चीज इंटरचेंजेस। अगर वेज और डैश पे नहीं आया तो क्या कर लो, अगर वेज या डैश पे नहीं है तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जो फोर्थ प्रायोरिटी लोवेस्ट प्रायोरिटी उसको डैश वाले के साथ बदल लो, चाहो तो वेज वाले के साथ बदल लो, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैंने यहां पे वेज वाले के साथ बदल दिया, चलो पहले बदल के देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। डैश पे तो कोड लगेगा दास, दास 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज, 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता तो एस, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर, ये वाला हुआ आर। लेकिन हमने एक बार इंटरचेंज किया, सिंगल इंटरचेंज चीजों को पलट देता है, सिंगल इंटरचेंज चीजों को पलट देता है। दैट्स व्हाई अगर ये आर है तो डेफिनेटली ये वाला मॉलिक्यूल हमारा एस होना चाहिए, ये वाला मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो हमें इसका कॉन्फिग्रेशन मिल गया एस, हमें इसका कॉन्फिग्रेशन मिल गया एस। देखो सपोज वी हैव मल्टीपल काइरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल, अब ये सबसे काम की बात आ रही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो इस पेज से सॉल्व होते हैं। वी हैव मल्टीपल काइरल सेंटर और उन मल्टीपल काइरल सेंटर्स में, मल्टीपल काइरल सेंटर में सपोज हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल हैं,
सारे के सारे बदल गए, यानी जहां जहां R था वो S बन गया, जहां जहां S था वो R बन गया, कुछ बदल गए। कोई भी नहीं बदला। अगर सारे के सारे बदल गए, इसका मतलब दोनों आपस में दिए गए हैं मिरर इमेज। दोनों आपस में क्या दिए गए हैं? मिरर इमेज। या तो वो मीजो की मिरर इमेज होगी या वो इनेंशियोमर्स होंगे। मीजो एक्टिव है तो वो दोनों मिरर इमेज आइडेंटिकल होंगी। तो अगर मिरर इमेज आ रहा तो हमेशा उसे इनेंशियोमर मत कह देना। मिरर इमेज में देखना पड़ेगा कि अगर इनएक्टिव है तो मीजो है, आइडेंटिकल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट अगर एक्टिव है तो इनेंशियोमर है। अगर कुछ बदले तो डेफिनेटली वो एक्टिव होगा, उस केस में तो डेफिनेटली वो डायस्टीरियोमर होंगे। कोई मिरर रिलेशन नहीं है उनके बीच में तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। और अगर कुछ भी नहीं बदला, मतलब कुछ बदला ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो दोनों में क्या होंगे? आइडेंटिकल। वो दोनों आपस में आइडेंटिकल। अगर इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर एस है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल नंबर में आइडेंटिकल आर और एस है, आइडेंटिकल मतलब सेम ग्रुप वाले, तो उसको बोलते हैं मीजो। तो मीजो पहचानने का तरीका होता है इक्वल नंबर ऑफ आर एस। जैसे देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। सी एच ओ एच। अब ये मत कहना इसमें तो सर देखते ही पता चल जा रहा है सिमेट्री है। कुछ में देखते ही पता चलता है, कुछ में नहीं चलता है। जो पीछे बातें लिखी उनको कैसे समझोगे वो देखो। सी एच ओ एच ओ एच एच। अब इसमें तुम कहोगे सर इसमें तो हमें सब में देखते ही पता चल जा रहा है। बिल्कुल पता चलेगा, देखते ही पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। वेज डैश में कभी कभी नहीं चलता है, या कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जिसमें नहीं चल पाता है। देखो, ये हमारा कायरल सेंटर, इसको मैं अलग बना रहा हूं। सबसे पहले ओ प्रायोरिटी 1, ओ के बाद एच की प्रायोरिटी 4 होगी। कार्बन से अगला ऑक्सीजन, कार्बन से अगला फिर ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन। तो ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 3, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3। कोड लगेगा हार, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाला हो गया आर। सबसे पहले आर एस नेमिंग करेंगे। अब मैं इसको देखो, इसके लिए ये पूरा एक ग्रुप है, ऊपर वाले के लिए ये पूरा एक ग्रुप है। तो सी एच ओ ओ कार्बन एच कार्बन ओ कार्बन एच, ओ की प्रायोरिटी ज्यादा 1, एच की प्रायोरिटी सबसे कम 4। इन दोनों में कार्बन पे डिसाइड नहीं हुआ, देखना, इन दोनों में कार्बन पे डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। एक मिनट को, हमने यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं की, चलो एक बार दोबारा चेक कर लेंगे इसको। इन दोनों में कार्बन पे डिसाइड नहीं हुआ, तो कार्बन के बाद अगला हाईएस्ट जाएगा ऑक्सीजन, इधर अगला हाईएस्ट जाएगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दोबारा से ऑक्सीजन, इधर कार्बन के बाद अगला कार्बन। तो ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3। कोड फिर से सेम लग जाएगा हार, बट इस बार हम 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया S, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। आई बात समझ? तो हमने एक बार नेमिंग कर ली। अब देखो, सब मॉलिक्यूल में सेम ही फॉर्मूला है। ये अगर R है तो ये बिल्कुल सेम, ये R, ये अगर R है तो HOH बदला, एक इंटरचेंज, तो ये वाला क्या होगा? S। तो एक बार की मेहनत है, बाकी में तो वही काम कर जाता है। ये वाला ऐसे HOH इधर बदल गया तो ये वाला R हो गया होगा, इन्वर्जन। ये वाला S है, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? S। तो एक बार हमने प्रायोरिटी सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं। देखो, जो R पे ग्रुप लगे हैं OH एल्डिहाइड H, वही ग्रुप इस पे भी लगे OH एल्डिहाइड H। तो अगर R और S सेम ग्रुप के साथ आते हैं तो जितना R एक डायरेक्शन में घुमाएगा, S उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये वाला हो गया मीजो, ये वाला हो गया मीजो। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल भी ले लूं, सी एच ओ इधर OH, H,
OH, H तो जरा देखो, HOH वाला R था तो ये S हो गया, HOH वाला S था तो ये R हो गया। फिर से वही बात कि जो दोनों कायरल सेंटर उसमें सेम ग्रुप लगे हैं, R वाला S को कैंसिल आउट कर देगा तो ये भी क्या हो गया, मीजो। तो मीजो के लिए जो ये लाइन मैंने लिखी थी, ये तरीका होता है इंटरनल कंपनसेशन को ढूंढने का। किसको ढूंढने का? इंटरनल कंपनसेशन को ढूंढने का, कि जो R पे ग्रुप लगे हैं वही ग्रुप S पे भी लगे हैं, जितने R है उतने S है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मॉलिक्यूल हो गया इनएक्टिव। लेट्स कॉल दिस एज मॉलिक्यूल A, दिस एज B, दिस एज C, दिस एज D। फिर अगर देखें C और D में दोनों R हैं, दोनों S है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो D है या L है, हमें इतना जरूर पता है कि R R कैंसिल नहीं करेंगे, S S कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये दोनों हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों हो गए ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं बात करूं A की C के साथ, देखो कैसे देखते हैं, A और C में क्या रिलेशन है, बिना मॉलिक्यूल को विजुलाइज किए कैसे देखते हैं। A में S R है, C में R R है, एक नहीं बदला, एक बदला, कुछ बदले कुछ नहीं बदले, तो मिरर नहीं होगा, मिरर तब होगा जब पूरा उल्टा हो जाए। एक बदला एक नहीं बदला, कुछ अगर बदलते हैं तो वो मिरर इमेजेस नहीं है, और अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो डायस्टीरियोमर है। अगर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो वो हो गया डायस्टीरियोमर। अगर मैं तुमसे कहूं सी और डी को देखो, तो सी और डी में जितने भी थे सब बदल गए, सी और डी में जितने भी थे सब बदल गए। अगर सब बदल गए तो हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ना कि बम, मिरर इमेज है। ऐसे अगर मैं ए और बी को देखूं, ए और बी भी क्या है, एस वाला आर हो गया, आर वाला एस हो गया, एस वाला आर वाला एस, यानी ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, एम आई है एक दूसरे के, एक दूसरे के एम आई है, बट इनएक्टिव, इनएक्टिव मिरर इमेज अलग नहीं होती है। ये भी जीरो देगा, वो भी जीरो देगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इनएक्टिव मिरर इमेजेस, ऐसी मिरर इमेजेस जो इनएक्टिव है, दोज आर सिंपली आइडेंटिकल, दोज आर सिंपली आइडेंटिकल, बट ऐसी मिरर इमेज जो एक्टिव है, दोज आर इनेंशियोमर, ओनली दोज आर इनेंशियोमर्स। तो कौन सी मिरर इमेज आइडेंटिकल है, कौन सी मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ता है उसकी एक्टिविटी से। तो आर एस नेमिंग अगर कर ली तो हम बिना विजुलाइज किए, ये बिना सोचे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, मॉलिक्यूल को इक्वली काट रहे हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली नहीं मिली, हमें आसान हो जाता है आर एस नॉमनक्लेचर से। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल और दूं, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको बताने के लिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है फिशर प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में। फिशर प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल होगा कि प्लेन से कट करेंगे तो सिमेट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि मिल रही है, ये इनएक्टिव है, बट एक बार तुम आर एस नेमिंग करके देखो, अगर दोनों आर या दोनों एस आए तो एक्टिव, अगर एक आर एक ऐसा है तो इनएक्टिव। आर एस तभी इनएक्टिव होगा जब आइडेंटिकल ग्रुप लगे हो, आइडेंटिकल ग्रुप लगा होना बहुत जरूरी है, आइडेंटिकल ग्रुप होना कंपलसरी है। अगर यहां पे मान लो एक पे सी एच थ्री एक पे इथाइल लगा होता तो आर एस बिल्कुल कैंसिल कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ बच जाता तो वो भी एक्टिव हो जाता। तो आर एस तभी कैंसिल करते हैं जब उस पे सेम ग्रुप लगे हो, आर एस तभी कैंसिल करके मीजो बनाते हैं जब उस पे सेम ग्रुप लगा हो। अगर ग्रुप ही अलग अलग लगे हैं तो डेफिनेटली वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एंड जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढूंढते हैं, वी लुक फॉर द कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर पे प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग की जाती है। कायरल सेंटर पे क्या किया जाता है? प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग। लास्ट चीज जो हमें समझनी है, शॉर्ट
शुगर्स के लिए वी डू डीएल नेमिंग, वी डू डीएल नॉमनक्लेचर फॉर शुगर्स विच इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड। शुगर या अमाइनो एसिड के लिए कर सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड में अगर फिशर प्रोजेक्शन में OH राइट साइड आता है देन दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रैक्टिकली, कैपिटल DL एक्सपेरिमेंटली नहीं है, वो सिर्फ थियोरिटिकल है, ये रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन नहीं है। ओनली स्मॉल D एंड स्मॉल L टेल्स यू अबाउट द एक्चुअल रोटेशन ऑफ लाइट, सिर्फ स्मॉल D और स्मॉल L बता सकते हैं लाइट का एक्चुअल रोटेशन क्या है, कैपिटल D कैपिटल L लाइट के एक्चुअल रोटेशन को नहीं बता सकते, लाइट के एक्चुअल रोटेशन को नहीं बता सकते, सिर्फ स्मॉल D स्मॉल L बताएंगे, ना ही RS तुम्हारा एक्चुअल रोटेशन बता पाता है। अगर इसकी मिरर इमेज लेते हैं जिसमें OH लेफ्ट साइड में लगा हो देन दिस इज कॉल्ड एज L ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज लीवो रोटेटरी। किसी भी शुगर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर्ड कायरल है, सिर्फ एक कायरल सेंटर को देखते हैं, उसके बेसिस पे डी या एल कहा जाता है, कैपिटल डी या कैपिटल एल कहा जाता है। अगर वो डी जैसा दिख रहा है यानी उसका OH अगर राइट साइड है, उसका OH कहां पे राइट साइड, तो उसको कैपिटल डी कहा जाएगा। अगर उसका OH लेफ्ट साइड है तो इसको स्मॉल एल कहा जाएगा, कैपिटल एल कहा जाएगा। तो हम शुगर्स के लिए डी ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पे कॉन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे सपोज वी हैव अ शुगर, इसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, ग्लूकोज है या नहीं है, पहला OH सपोज लेफ्ट में है, शुगर्स के नाम कैसे आ सकते हैं ये मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा अगर बायोमॉलिक्यूल में हमें समय मिलता है इतना, क्योंकि तुम्हें बायो में भी हेल्प करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये 6 कार्बन की शुगर है जिसकी IUPAC नेमिंग CHO से स्टार्ट होगी। तो ये जो हाईएस्ट वाला है इसको देखा जाता है, जो ये हाईएस्ट वाला है इसको देखा जाता है। देखो इसका OH अगर लेफ्ट साइड है यानी L ग्लिसरल्डिहाइड से रिजेंबल कर रहा है तो इस शुगर को कहा जाएगा L शुगर, क्या कहा जाएगा L शुगर। बट ये प्लस है या माइनस है ये हमें नहीं पता, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है ये बात हमें नहीं पता है। सो शुगर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग करने से जो मॉलिक्यूल का 3D विजुलाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो सकता है बहुत इजिली। दैट्स वाई यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ काइरल सेंटर, how to do RS nomenclature and how on the basis of RS nomenclature you can identify ki wo enantiomer hai, wo identical compound hai ya wo diastereomer hai ya again wo identical hai. So ye hum RS ka name karke fir find out kar sakte hain ki agar sare inversion ho rahe hain to ya to enantiomer honge ya identical honge, kuch ka inversion hai to diastereomer hai, and one more thing to remember, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर होते हैं। कभी क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायस्टीरियोमर, अगर उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल गया तो दैट इज ऑल्सो डायस्टीरियोमरिक इन नेचर, दैट इज ऑल्सो डायस्टीरियोमरिक इन नेचर। सो विद दैट ऑन दिस नोट वी विल जस्ट कंप्लीट दिस GOC सेक्शन नंबर 1। GOC का एक और सेक्शन आएगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो हम शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कवर नहीं कर पाएंगे, नीट के लिए सब कवर करेंगे, बट स्टिल अगर तुम एक थोड़ा सा अपने नोट्स को या NCERT को रीड करके आते हो तो चीजों को रिलेट करना, चीजों को याद रखना आसान होगा, लेक्चर के साथ साथ ही चीजें याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि तुम नोट्स बनाओगे तो कर पाओगे, तुम्हें अगर नोट्स की पॉइंट याद है दिमाग में बसे हुए हैं तो क्वेश्चन कर पाओगे, और बसेगा तभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे।
तो ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन एवरी पी बाई क्यू ऑफ आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, साथ बनाए रखें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं अगली बार।